हाँ चलो बच्चों आगे चले। अब अपना लास्ट टॉपिक थ्योरी टॉपिक रहा। इनफैक्ट थ्योरी टॉपिक का कहने का मतलब क्या है, इसके बाद जो मैं पढ़ाऊंगा सब कुछ वो जो होगा वो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से होगा, मतलब हर पॉइंट जो होगा उसका प्रैक्टिकल पे इंपैक्ट आएगा, थ्योरी पे सच कोई बड़ा इंपैक्ट नहीं आता। ठीक है, तो आप मेरी बात सुनिए प्लीज। ये थ्योरी टॉपिक क्या है, आगे प्रैक्टिकल में बड़ा काम आने वाला है। मैंने आपको बोला था कि जब तक ट्रांसफर नहीं होगा कैपिटल गेन हेड नहीं लगता, और जब ट्रांसफर की डेफिनेशन में पढ़े अपन ने पढ़ी थी तो मैंने फर्स्ट वर्ड ही बोला था, मैं कहता देखो ट्रांसफर में लिखा हुआ है इंक्लूड्स। इंक्लूड्स मतलब मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ वो सारे इसके एग्जांपल्स हैं, इसके अलावा भी बहुत चीजें ट्रांसफर में आती है, सेल एक्सचेंज कुछ भी करो, जहां मालिक चेंज, मैं एक बात समझ लेना बच्चों, जहां ओनर चेंज वो ट्रांसफर है, और ट्रांसफर है तो लाओ कैपिटल गेन लाओ। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर गवर्नमेंट ने नोटिस किया कि यार इस केस में ओनर बदल रहा है, ये तो बात ठीक है लेकिन बंदा पैसे कमा रहा नहीं कर, बंदा पैसे भी नहीं कमा रहा, मालिक भी चेंज हो रहा है, तो फिर टैक्स लेना गलत है। ठीक है, तो ऐसे केसेस गवर्नमेंट ने पॉइंट आउट किया और देखा कि हाँ इन इन केसेस में ओनर चेंज हो रहा है, लेकिन इसका इंटेंशन, ओनरशिप चेंज होने का इंटेंशन प्रॉफिट मेकिंग नहीं है। तो गवर्नमेंट ने कहा जब बंदा सामने वाले को कोई चीज पैसे कमाने के लिए नहीं दे रहा है तो उससे टैक्स लेना गलत है, तो टैक्स लेने से लेना गलत है तो उसको छोड़ा कैसे जाए, छोड़ा ऐसे जाए कि ऐसे ट्रांजैक्शंस को अपन एक डेफिनेशन में ट्रांजैक्शन एक्सक्लूडेड फ्रॉम ट्रांसफर में डाल देते हैं, मतलब एक सेक्शन 47 बनाया है गवर्नमेंट ने। ये सेक्शन 47 कहता है अगर आपके केस में ओनर चेंज हो रहा है कोई बात नहीं, आपका ये ट्रांजैक्शन ट्रांसफर की डेफिनेशन में कवर नहीं होगा, नहीं होगा तो आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं। तो एक तरह से आप कह सकते हैं वो कौन खुशनसीब लोग हैं जो गवर्नमेंट से इस कैपिटल गेन हेड से बच गए, मतलब जब ये सारे पॉइंट आपके एग्जाम में आए तो समझ जाना कोई तरह का कैपिटल गेन नहीं लगेगा, क्योंकि गवर्नमेंट को समझ में आ गया है कि इनको प्रॉफिट नहीं हो रहा। ऐसा कब होता है बच्चों, जब मालिक चेंज हो रहा है लेकिन जिसने आपको मालिक बनाया वो पैसे नहीं कमा रहा, ऐसा कब होगा। बेस्ट एग्जांपल है गिफ्ट, अगर आपको किसी ने गोल्ड चेन गिफ्ट करी तो पहले वो ओनर था अब आप हो गए, लेकिन उसने पैसे कमाए क्या, नहीं कमाए, तो गवर्नमेंट ने कहा अब से जो बंदा गिफ्ट देगा उससे हम टैक्स चार्ज नहीं करेंगे। इसका मतलब ये नहीं है आप भी बच गए, आपको क्या, आपको मान लीजिए आपके किसी शादी के ओकेजन पे या किसी ओकेजन पे आपको गोल्ड चेन गिफ्ट में मिली, तो जिसने गोल्ड चेन गिफ्ट की है उसे कैपिटल गेन हेड नहीं लगेगा, और आपने वो गोल्ड चेन आगे बेच दी पैसों में, आप पर तो लगेगा लेकिन उस पर चार्ज नहीं, समझ में आ रहा है। और कब कब ऐसा केस है जहां पर गवर्नमेंट कहती है प्रॉफिट नहीं कमा रहा भले ही ओनर चेंज हो, तो पहला हो गया गिफ्ट, सेकेंड हो गया इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस मतलब वसीयत, अगर कोई फादर वगैरह किसी अपने बच्चों को लीगल हायर को वसीयत करके जाते हैं तो गवर्नमेंट कहती है जो वसीयत करके जा रहा है उसे कोई टैक्स नहीं लगेगा क्योंकि वो पैसे थोड़ी कमा रहा है। नेक्स्ट इन केस ऑफ अमालगमेशन मर्जर, अमालगमेशन मर्जर थ्योरेटिकल थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से जाए तो बहुत डीप में है, बस आप तो ये याद रखना ज्यादातर बैंक के केस में होता है, अगर बैंक अमालगमेट या मर्ज होती है, जैसे कि मान लो आईसीआईसीआई बैंक और बैंक ऑफ राजस्थान आपस में मर्ज हो, मर्ज होने का मतलब अब मिलके काम करेंगे, मिलके काम करने का मतलब ये नहीं होता है कि अब ये खूब पैसा कमाएंगे। एक्स लिमिटेड वाई लिमिटेड ने अपनी एसेट को कंबाइन करके नया नाम रख दिया एक्स वाई लिमिटेड, इससे पैसे की इनकम नहीं हुई तो अमाल कमीशन मर्जर पे टैक्स नहीं लगता, ये याद रखोगे आप। फिर इन केस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन बाय कंपनी, कंपनी का अगर लिक्विडेशन होता है तो लिक्विडेशन सुना है ना, कंपनी खत्म हो रही होती है अपनी एसेट लोगों को दे देती है, तो गवर्नमेंट कहती है वो कंपनी ऑलरेडी लॉस में ही होगी जो लिक्विडेट हो रही है, तो कंपनी को गवर्नमेंट कहती है लिक्विडेशन के दौरान आप अपनी एसेट किसी को भी दो, शेयर होल्डर वगैरह को दो, हमें कोई एतराज नहीं है, आप पर कैपिटल गेन नहीं लगेगा, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट ये सब पॉइंट्स याद रखने हैं ताकि आगे प्रैक्टिकल में प्रॉब्लम नहीं आए। नेक्स्ट है एचयूएफ का पार्टीशन, एचयूएफ सुना होगा एक बड़ा परिवार एचयूएफ है, उसका अगर बंटवारा होता है तो फिर होता क्या है, चार भाई है चारों कोई कहता है ये घर मैं ले लेता हूँ, ये प्लॉट मैं ले लेता हूँ, ये गाड़ी मैं ले लेता हूँ, तो गवर्नमेंट कहती है पैसे थोड़ी कमा रहा है एचयूएफ, मतलब जब साथ में थे तो एचयूएफ थे,
जब टूट गए तो अलग अलग मेंबर्स ईओपी जो भी कहलाना है वो कहलाएंगे। तो गवर्नमेंट कहती है एक परिवार अगर बट गया तो बटने पर एचएफ ने सबको थोड़ी थोड़ी एसेट दे दी, तो एचएफ का प्रॉफिट कमाने का इंटेंशन नहीं है तो टैक्स नहीं लगेगा। नेक्स्ट, इन केस ऑफ मेंबरशिप फी, चेंज ऑफ मेंबरशिप फीस इनटू शेयर्स, कल तक आप किसी सोसाइटी के मेंबर, उन्होंने सोसाइटी ने बोला अब हम कंपनी में कन्वर्ट हो रहे हैं, इसलिए आपकी मेंबरशिप हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, शेयर्स में। बात समझ में आई? तो गवर्नमेंट कहती है कि इसमें कहां प्रॉफिट कमाया, जितने रुपए का वो मेंबर था उतने इसके शेयर्स आए। समझ में आ रहा? नेक्स्ट, ट्रांसफर फ्रॉम होल्डिंग टू सब्सिडियरी और सब्सिडियरी टू होल्डिंग। ये देखो 100% होल्डिंग टू सब्सिडियरी लिखा है। होल्डिंग एंड सब्सिडियरी क्या होते हैं? बाप बेटे, बाप अपने बेटे के घर में कुछ रख के जाए या बेटा बाप को कुछ देके जाए, कोई पैसे नहीं ले, तो गवर्नमेंट कहती है इसका मतलब कोई प्रॉफिट इंटेंशन नहीं। समझ में आया? क्लियर? जब दो लोग साथ में काम कर रहे हैं, किसी को जरूरत पड़ी उसने वो चीज उसको दे दी, तो गवर्नमेंट कहती है प्रॉफिट नहीं कमाया। क्लियर हुआ? ये है रिडेम्पशन ऑफ एडीआर जीडीआर। ठीक है, एडीआर जीडीआर आपने सुना होगा, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट और सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड, ये गवर्नमेंट ने निकाला है। बच्चों ये सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड तो आपने सुना होगा, गवर्नमेंट कहती है गोल्ड खरीदो मत बाजार से, जितने भाव में आप बाजार से गोल्ड खरीदोगे उतने रुपए में हम ये आपको गोल्ड बॉन्ड दे देंगे, आप गोल्ड बॉन्ड घर पर रखो, चोरी भी हो जाए तो टेंशन नहीं, और जब पैसे चाहिए हमारे बैंक में आ जाना, जो रेट गोल्ड की चल रही है वो रिडेम्पशन करके दे देंगे। तो गवर्नमेंट का ये जो पॉलिसी थी चल रही नहीं थी, तो गवर्नमेंट ने कहा एक काम करते हैं, गोल्ड बेचेगा तो कैपिटल गेन लगेगा लेकिन अपना बॉन्ड बेचेगा तो कैपिटल गेन नहीं लगेगा। तो गवर्नमेंट ने लोगों को लालच दिया, जो हमारे ये एडीआर जीडीआर या सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड खरीद कर बाद में रिडेम्पशन करने के लिए आएगा हमारे पास, उसका ट्रांजेक्शन ट्रांसफर में नहीं आएगा तो आपने पैसे भी कमा लिए और टैक्स चार्ज नहीं होगा, ये आपको लालच देने के लिए। क्लियर? और लास्ट पॉइंट, कल तक हमारे मान लीजिए हमारे एसीसी इंस्टीट्यूट के बाहर कुछ नहीं लिखा हुआ है, एसीसी मतलब सोल प्रोप्राइटरशिप है। आज सर ने क्या सोचा कि यार एसीसी के आगे प्राइवेट लिमिटेड लिखवा दो, तो अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, एसीसी कल तक सोल प्रोप्राइटरशिप थी, आज एक कंपनी में बदल गई या एलएलपी में कन्वर्ट हो गई, तो एक बार बताओ कितने रुपए कमाए? मेरी बात समझ में आ रही है? क्या केवल नाम चेंज होने से हमने पैसे कमा लिए? क्या नहीं कमाए? एक बोर्ड ही तो चेंज हुआ है और पेपर्स में कुछ डॉक्यूमेंट्स एक्स्ट्रा है। तो गवर्नमेंट कहती है अगर कोई सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म, प्राइवेट कंपनी, एलएलपी वगैरह में कन्वर्ट होती है तो पैसे नहीं कमाए, उन्होंने अपना बिजनेस इजी गोइंग के लिए ये नाम चेंज किया है, तो कोई टैक्स चार्ज नहीं होगा। क्लियर? तो बच्चों ये वो केसेस है जहां ओनर बदल रहा है, लेकिन गवर्नमेंट कहती है ओनर बदल रहा है लेकिन प्रॉफिट नहीं कमाया, इसलिए ये ट्रांजैक्शन ट्रांसफर की डेफिनेशन में कवर नहीं है। अगर इनमें से कोई ट्रांजैक्शन आता है हम कैपिटल गेन नहीं लेंगे। कौन कौन से ट्रांजैक्शन थे? गिफ्ट में कोई देता है, कोई वसीयत करता है, एचयूएफ पार्टीशन के टाइम पे अपने मेंबर्स को कुछ देता है, कंपनी लिक्विडेशन के टाइम पे अपने शेयर होल्डर को कुछ देती है, अमालगमेशन, मर्जर, ट्रांसफर फ्रॉम 100% होल्डिंग टू सब्सिडियरी और सब्सिडियरी टू होल्डिंग, चेंज सोल प्रोप्राइटरशिप किस में कन्वर्ट होती है, एलएलपी में, या फिर एडीआर जीडीआर या सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड का क्या होता है, रिडेम्पशन। ऐसे केस में कोई कैपिटल गेन नहीं लगे। ठीक है, ये आप एग्जाम के लिए याद रखना, क्योंकि जब टफ प्रैक्टिकल आएगा तो टफ प्रैक्टिकल में ये पॉइंट वापस रिपीट होते हुए आपको दिखेंगे। क्लियर? चलो ये अपना टॉपिक हुआ, अब अपन अपने प्रैक्टिकल पॉइंट्स की उधर चलते हैं। ठीक है,